पालन में कैसे, मतलब हमारे दर्शक कैसे मछली पालन स्टार्ट कर सकते हैं? मछली पालन में कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझ जाते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, इसकी भी ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, बिहार सरकार भी आपको ट्रेनिंग देती है और बहुत सारे संस्थान है जहाँ से ट्रेनिंग होती है। अगर हमारे दर्शक कोई मछली पालन या बकरी पालन स्टार्टअप करना चाहते हैं तो क्या लागत हो सकता है, कि क्या लागत लगाना पड़ेगा उनको? देखिए, स्टार्टअप उसके लिए, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, जैसे हमने जो सेटअप बनाया है उस पर मेरा सेटअप बनाने पर 10 लाख का खर्चा है। सेटअप बनाने पर 10 लाख का खर्चा है, ठीक है, क्या बात। लेकिन कोई अगर सिर्फ बांस बल्ली का भी बना करके स्टार्ट कर सकता है तो उसका 1-1.5 लाख में बन जाएगा। बताएं कि मछली पालन में कुछ सरकार से भी कुछ ऐसा बेनिफिट मिलता होगा, ऐसा कुछ? मछली पालन में तालाब खुदवाने के लिए आपको सरकार से बेनिफिट मिल जाएगा, योजना उसकी आती है। अच्छा, सरकार से पैसा देती है तालाब बनाने के लिए। सरकार भी आपको बहुत सारी सुविधा दे रही है अगर आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं। सरकार आपको लोन तक प्रोवाइड कर देंगे ऐसे ऐसे चीज़ों पर। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप अपने गाँव में बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका से आप ऐसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें कितने बकरियाँ होंगे अभी? अभी हमारे पास टोटल संख्या है 48। अच्छा अच्छा, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़ी बकरी भी है। अच्छा, अच्छा, ब्रीडर भी है। अच्छा, दो ब्रीडर है हमारे पास, एक ब्लैक बंगाल का और एक बरवरी का। तो ये जो जुगाड़ बनाया आपने, ये जो बकरी रखने वाला जुगाड़, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये, मतलब इसका क्या क्या फायदा है इस जुगाड़ का बनाने का आपको? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे लूट लो चैनल पे। तो भाई लोग आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो भाई लोग आज हम लोग आ गए हैं एक छोटे से गाँव में, बिहार के एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गाँव में आ गए हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं मछली पालन और बकरी पालन दोनों एक साथ देखने वाले हैं। ये इस फार्म पे मछली पालन और बकरी पालन आप देख सकते हैं पीछे। मैं आपको सारी चीज बात करवाने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ के ऑनर से बात करवाने वाला हूँ, कैसे फार्मिंग आप भी कर सकते हैं, उसे कैसे सीख सकते हैं। आप भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तो आप भी गाँव में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या कैसे लागत है, कितनी लागत है, क्या कमाई है, और किसान भाइयों के लिए क्या फ़ायदा है इसके लिए, कैसे करना चाहिए, इसको कैसे सीखा जाए, तो सारा चीज़ बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यहाँ के ऑनर से भी मिलवाते हैं। तो ये यहाँ के मुंशी होने वाले हैं, तो मुंशी सर से बात करवाते हैं और सारी चीज़ की जानकारी देते हैं, कैसे फार्म में मछली पालन किया जाता है, कैसे बकरी पालन किया जाता है, सारी चीज़ की जानकारी देंगे। तो सर से बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अब्दुल बासित हुआ। अच्छा जी, तो स्वागत है हमारे लूट लोगों चैनल पर। तो कैसे कैसे फॉर्म का ये आपने स्टार्टअप किया, हमारे दर्शकों को बताइए जरा। स्टार्टअप तो बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा, पिछले साल से हमने स्टार्ट किया इसको बनाना। अच्छा, पहले इसका बाउंड्री वॉल कंप्लीट किया, उसके अच्छा, बाद अच्छा। फिर फॉर्म बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, तो ये थोड़ा मछली पालन दिखाएगा, कैमरा मैन से करेंगे, थोड़ा मछली पालन दिखाएगा। ये कितने एकड़ का, मतलब ये एकड़ में हो गया मछली पालन? ये एक एकड़ का तो पूरा प्लॉट है मेरा। अच्छा अच्छा, मछली पालन ये 6 कट्ठे का है। 6 कट्ठे का? हाँ, अभी ये स्टार्टिंग है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट मछली पालन का एक्चुअली कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, है ना, तो यहाँ सक्सेस हो जाएगा तो फिर और अगले जगह प्लॉट में, बड़ा प्लॉट में देखेंगे। करेंगे। तो अगर आप ही बात करें, इसमें कितनी मछलियाँ छोड़े आपने, बच्चा छोड़ा है या कैसा मछली छोड़ा आपने? नहीं, इसमें तो बच्चा ही छोड़े, बच्चा थे, ही छोड़े, फिंगरलिंग छोड़े थे, और वो लगभग इसमें डाले थे शुरुआत में 20 केजी के आसपास। 20 केजी के आसपास उसमें मछली डाला आपने। अच्छा, तो इसको है। खाना क्या मांगता है मछली, क्या मतलब बच्चा क्या खाना होता है इसका? तो उसका जो फीड आता है बना बनाया वो डालते। अच्छा, वो फीड आता है, हम लोग अपना कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, डॉक्टर हमारे वो आते हैं। अच्छा अच्छा, कम्प्लीट काम वो कर जो बताते हैं उनके उसके हिसाब से। अच्छा, और साथ में आपने ये बकरी पालन भी खोल रखा है? मेन हमारा बकरी पालन का ही। अच्छा, मेन आपका बकरी पालन का काम है? मेन। तो बकरी पालन में क्या मतलब कैसा कैसा रख रखा बकरी आपने? बकरी हमने देसी नस्ल का रख रखा है। अच्छा, जो अपना ब्लैक बंगाल जिसको बोलते हैं वो रख रखा है। अच्छा, और अभी थोड़ा सा बरबरी भी लाए हैं और आगे और बढ़ाना है। अच्छा अच्छा, तो अभी दिखाएंगे कि बकरी पालन कैसा हो रहा है अभी, चलिए थोड़ा दिखाइए। बिल्कुल, और ये थोड़ा फार्म का थोड़ा दिखा दीजिए, फार्म में क्या क्या कर रखा आपने, ये भी थोड़ा जानकारी दे। ये बकरी के चारा के लिए सब पौधा लगाया गया है। अच्छा, ये बकरी के चारा के लिए पौधा लगाया है, हरा चारा के लिए ये इंतजाम है। ठीक है ठीक है, उधर भी हरा चारा लगा हुआ है। अच्छा, ये स्टोर रूम है प्लस ऑफिस है, स्टाफ भी रहते हैं, स्टाफ भी रहते हैं यहाँ पे। स्टाफ को भी दिखा दीजिए, वहाँ बैठे हुए हैं। स्टाफ को भी दिखा दीजिए, यहाँ पे स्टाफ लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म है सर का, फॉर्म को थोड़ा विजिट कराए, फॉर्म में थोड़ा दिखाए। देख सकते हैं काफ़ी सारी बकरी यहाँ रखी हुई है और काफ़ी अच्छे नस्ल के बकरी है, अलग अलग नस्ल के बकरी मिल जाएंगे आपको। और जुगाड़ देखो, जुगाड़ यहाँ पर जुगाड़ कितना अच्छा बनाया गया है ये बकरियों के लिए, ये कितना बेस्ट जुगाड़ बनाया गया है। इसमें कितने बकरियाँ होंगे अभी? अभी हमारे पास टोटल
संख्या है 48। अच्छा अच्छा। जिसमें बच्चे भी हैं, बड़ी बकरी भी है, अच्छा, ब्रीडर भी है। अच्छा। दो ब्रीडर है हमारे पास, एक ब्लैक बंगाल का और एक बर्बरी का। अच्छा, ये जो जुगाड़ बनाया आपने, ये जो बकरी रखने वाला जुगाड़, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मतलब इसका क्या क्या फायदा है इस जुगाड़ का बनाने का आपको? तो ये बकरी अगर जमीन पर रहेगी तो उसको सर्दी ज्यादा होने का डर है, सर्दी हो गया, कीड़ा का प्रॉब्लम हो सकता है, अमोनिया गैस निकलता है उसके पेशाब से, उससे उसको बहुत सारी बीमारी हो सकती है। अच्छा अच्छा, है ना। इसको और ऊपर उठाना था लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने ये जुगाड़ किया है। अच्छा अच्छा। अगला फॉर्म जो हमारा बनेगा वो फुल्ली एलिवेटेड बनेगा। अच्छा, अच्छा। समय में मतलब कितने साल हो गए इसको बनाए हुए अभी? ये तो पिछले साल हमने जून से स्टार्ट किया था इसको बनाना। अच्छा अच्छा। जो मिट्टी भराई का काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर बाउंड्री वाल का काम, इसका फेंसिंग का काम स्टार्ट हुआ। अच्छा। उसके बाद तब ये फॉर्म का सेटअप बनाना स्टार्ट हुआ। तो ये अभी लगभग मान के चलिए कि 6 महीना हो गया है इसको बन के तैयार हो करके। 6 महीना हो गया है। हाँ, अभी बहुत सारा काम हमारा बाकी है, बाहर फ्लोरिंग लगना बाकी है, वो उसमें अभी स्टार्टअप है। आप मतलब कर रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अगर बात करें स्टार्टअप में, अगर हमारा किसान भाई कोई करना चाहते हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, सब लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यही है कि स्टार्ट करने से पहले सीखना जरूरी है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ करने से पहले सीखना जरूरी है। पहले ट्रेनिंग लें और उसके बाद किसी अच्छी जगह से, जैसे मथुरा से ट्रेनिंग ले सकते हैं, और भी यहाँ ट्रेनर हैं। अच्छा, आप लोग कुछ सुविधा देते हैं अगर हमारे दर्शक कुछ चाहते हैं, अगर ट्रेनिंग आपसे लेना या कुछ और हेल्प लेना, तो आप ऐसा कुछ सुविधा देते हैं? देखिए, अभी हम जो भी सुविधा हम स्टार्ट करेंगे वो 2024 में स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा। मतलब हमारा स्टेप बाय स्टेप है कि हम कब क्या करेंगे, वो सब प्लानिंग में है, ऑलरेडी डाला हुआ। तो अगर हमारा कोई किसान भाई अगर चाहता है कुछ स्टार्टअप करना चाहे, तो उसे क्या सीख देंगे, क्या कुछ देंगे अपना? सबसे पहला सीख तो हम ये देंगे कि बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट नहीं करें। बिल्कुल, बिना ट्रेनिंग के आप स्टार्ट ना करें अपने बिजनेस को। अपने बिजनेस को बिना ट्रेनिंग के तो सबसे पहले सोचेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ट्रेनिंग करें, उसके बाद आप स्टार्टअप कर सकते हैं। 10 बकरी से 20 बकरी से 100 बकरी से, जैसा आपका पॉकेट अलाउ करता है। अच्छा अच्छा, वैसे आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। 10 बकरी से करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा आपको राइज करने में, लेकिन करेंगे। लेकिन बिना ट्रेनिंग के अगर आप 100 बकरी से भी करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, नहीं, क्योंकि बकरी बीमार पड़ेगी, आपको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत हो जाएगी। जो भी काम करे बिल्कुल ट्रेनिंग लेके करे, बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम ना करे, इससे आपको नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। आपने कितने बकरी से स्टार्ट किया था? देखिए, हम जब ये सेटअप मेरा बन के रेडी हो गया था। अच्छा। तो मेरे घर में हम पाल रहे थे 4-5 बकरी। अच्छा, बस उसी को लाके रख दिए थे, वहीं से स्टार्टअप समझ लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि प्रॉफिट का, तो इसमें अगर अभी अब तक आपने स्टार्ट किया, 6 मंथ हो गया आपको स्टार्ट किए, तो क्या प्रॉफिट कुछ लग रहा है इसमें कुछ? देखिए, अभी कोई प्रॉफिट हम जनरेट नहीं कर किए हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा टारगेट थोड़ा दूसरे हिसाब का है, वो लंबा टारगेट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। अभी हमारा अपना ब्रीडिंग का सेटअप हमको बनाना है, हम अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ट्रेडिंग अगर करना चालू कर दें तो कल से आमदनी शुरू हो जाए। अच्छा, ट्रेडिंग नहीं करना चालू कर दें। ठीक है, ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, आने वाले समय ट्रेडिंग भी करेंगे और अपना ब्रीडिंग सेटअप भी और बढ़ाएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल। बात करेंगे यहाँ बकरी, ये जो बकरियाँ हैं ये क्या खाती हैं? ये सूखा चारा, हरा चारा, सूखा चारा, हरा चारा, हरा चारा और दाना मिश्रण खाती हैं। अच्छा अच्छा, है ना, जैसे चोकर हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया। अच्छा, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना। तो सीजन के हिसाब से इनको इनका खाना मिलता है। अच्छा जी। सभी बरसात का सीजन मतलब हर टाइम में अलग अलग कुछ, एक ही बार अलग अलग, एक ही साथ कोई खाना नहीं देते, मतलब अलग अलग चेंज करके देते हैं टेस्ट के हिसाब से। बिल्कुल, टेस्ट के हिसाब से और सीजन के हिसाब से, जाड़े में कुछ और मिलता है। अच्छा जी, है ना, ज़्यादा ठंड से बचने के लिए कुछ और मिलता है, गर्मी में कुछ और मिलेगा। हरा चारा कंपलसरी है, वो तो देते ही देते हैं। आप लोग जो यहाँ स्टार्टअप किए हैं, ट्रेनिंग कहाँ से लेके आए थे आप लोगों ने? हम लोग मथुरा से भी ट्रेनिंग किए हैं और यहाँ बिहार सरकार ट्रेनिंग कराती है, वहाँ से भी किए हैं। अच्छा अच्छा। और भी अभी ट्रेनिंग का प्रोसेस हमारा चलेगा। अच्छा जी। अभी आने वाले समय में, क्योंकि हम खुद ट्रेनिंग लेंगे तब आगे ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं, बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम नहीं करे। आप कोई भी काम करते हैं उससे पहले ट्रेनिंग ले, बिना ट्रेनिंग के आपको नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। और भी बातचीत करते हैं और सर से जानना चाहते हैं कि मछली पालन में और क्या क्या करना चाहते हैं। अगर हमारे दर्शक कोई चाहते हैं कि मछली पालन में कुछ काम करना है, तो मछली पालन में क्या कर सकते हैं? तो पालन में कैसे, मतलब हमारे दर्शक कैसे मछली पालन स्टार्ट कर सकते हैं?
मछली पालन में कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सब दिन से बिहार में खासतौर से मछली पालन लोग करते आए हैं। हम लोग के बचपन में हम लोग के घर में भी मछली पालन छोटा छोटा तालाब में लोग करते थे। अच्छा अच्छा, उसको अब थोड़ा सा कमर्शियली कर दिया गया है। तो कमर्शियली अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, इसकी भी ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, बिहार सरकार भी आपको ट्रेनिंग देती है और बहुत सारे संस्थान है जहाँ से ट्रेनिंग होती है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए भी आप ट्रेनिंग करें, संपर्क करें। जो तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे दर्शक कोई मछली पालन या बकरी पालन स्टार्टअप करना चाहते हैं तो क्या लागत हो सकता है, कि क्या लागत लगाना पड़ेगा उनको? देखिए, स्टार्टअप उसके लिए, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, जैसे हमने जो सेटअप बनाया है उस पर मेरा सेटअप बनाने पर 10 लाख का खर्चा है। सेटअप बनाने पर 10 लाख का खर्चा है, ठीक है, क्या बात। लेकिन कोई अगर सिर्फ बांस बल्ली का भी बना करके स्टार्ट कर सकता है तो उसका 1-1.5 लाख में बन जाएगा। क्या बात है, ठीक है। मतलब आपके स्टार्टअप आपके ऊपर है कि आप कैसे, कितना बजट है आपका? हाँ, उसमें है कि थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें अच्छा। थोड़ा है कि हमको रख रखाव जो है सो उसमें परेशानी उतनी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ को मेंटेन करना होगा आपको। हाँ, और बताएं कि मछली पालन में कुछ सरकार से भी कुछ ऐसा बेनिफिट मिलता होगा ऐसा कुछ? मछली पालन में तालाब खुदवाने के लिए आपको सरकार से बेनिफिट मिल जाएगा, योजना उसकी आती है। अच्छा, सरकार से पैसा देती है तालाब को बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, है ना। तो उसके लिए आप अपने मुखिया से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको मनरेगा के माध्यम से भी योजना चल रही है, सरकार आपको उस पर तालाब खुदवाने, सरकार भी आपको बहुत सारी सुविधा दे रही है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारी सुविधा देंगे, सरकार आपको लोन तक प्रोवाइड कर देंगे ऐसे ऐसे चीज़ों पर। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप अपने गाँव में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस मछली पालन है जो आप देख रहे हैं, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है एक तरह से। अच्छा जी, बिल्कुल, ठीक है। इस पर अभी हम कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, एक तरह से मछली इसमें डाले हुए हैं। अच्छा, जो फीड है इसका डाल देते हैं। अच्छा, इस पर कोई अभी फोकस नहीं है। फोकस अभी हमारा बकरी पालन पे है। अच्छा, तो बात करें कि आपने इसमें जो मछली डाले हैं ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये मछली? देखिए, नया जब आप पोखर बनाते हैं तो मछली लेट से तैयार होता है। जब यही आप पुराना हो जाएगा, 2 साल पुराना, अच्छा, तो इसमें अपने आप कुछ कीड़े मकोड़े जिसको मछली का खुराक तैयार हो जाता है तो फिर आसानी से ऑटोमेटिक खुद ही 1 साल में आप 1.5 से 2 किलो का साइज ले सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा अभी। मतलब स्टार्टअप में कितना टाइम लगता होगा, अगर मछली तैयार करवाना हो तो स्टार्टअप में कितना टाइम लगता होगा? देखिए, 1 साल तो देना ही पड़ेगा। 1 साल कम से कम आपको देना पड़ेगा। प्रॉफिट सब में है, ऐसा नहीं है कि मछली पालन में प्रॉफिट नहीं है या बकरी पालन में प्रॉफिट नहीं है, मुर्गी पालन में प्रॉफिट नहीं है। डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह से करते हैं, आपको नॉलेज कितना है, आपने ट्रेनिंग कितना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है सारा बिजनेस। आपको नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, नॉलेज भी है और आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा साथ में। आपको सारी चीज़ करते हैं तो आप ऐसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपने गाँव में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने लोकेशन पर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस है बकरी पालन और मछली पालन का, दोनों बिजनेस आपको दिखाया है। तो सर, और कुछ कैसे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए देखिए, अभी 1 साल से हम इसमें लगे हुए हैं, अभी तक कोई रिटर्न नहीं आया है। 1 साल से लगे हुए हैं, कोई रिटर्निंग नहीं है अभी तक, है ना? अच्छा जी, अभी लग ही रहा है। अच्छा, अभी लग ही रहा है, लग ही रहा है। तो जब हमने 6 महीना बनाने में लगा तो उसमें भी खुद काम किए। बिल्कुल, उसके बाद 6 महीना जब हम स्टार्ट किए, 5-6 बकरी लेना स्टार्ट किया और ख़रीदना स्टार्ट किए, तो खुद करते थे। इस महीने के 1 तारीख से हमने स्टाफ रखा है। अच्छा जी, एक लेबर बढ़ाया के लिए हम। हाँ, तो वही अभी देख रेख करते हैं हम। हमारा काम है, हम आए देख रेख कर लिए, कोई कमी है, कोई चीज़ की दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसको पूरा करते हैं। फिर भी हमारा कंट्रोल पूरा रहता है। सबसे बड़ी बात है कि सीखिए, सीखिए, सबसे जरूरी है सीखना है, सीखिए। और भी वीडियो आएगी, और भी फार्म की वीडियो डलेगी, और सारी बहुत सारी फार्म की वीडियो डालूंगा मैं। और जो भी होगा सर से, जैसी भी जानकारी होगी सारी चीज़ मैं आपको अपने दर्शकों को सारी चीज़ अपने वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो में ऐसी बने रहें, और अभी के लिए धन्यवाद।